غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। हमने सल्तनत की बका का अहद उठाया है अलियार साहब, मेरी औलाद मेरे बगैर भी आजाद और खुद मुख्तार रह सकती है। अबू मंसूर, जैसा आपने कहा था, शेर शिकार के लिए निकल गया है। हम जाल में फंस चुके हैं, साजिश है। ये तीर कहां से आ रहे हैं? सुल्तान, दादी की जान कुर्बान हो जाए तुम पर, मेरा बच्चा जन्नत के फूल हो तुम, कितना सेहतमंद है माशाल्लाह। अल्लाह हमेशा खुश रखे। चलो, तुम्हारी वालिदा इंतजार कर रही है। माशाल्लाह, अल्लाह माँ बाप के साए में परवान चढ़ाए। ये लो मेरी बेटी। मेरी जान कुर्बान हो तुम पर। वालिदा, अर्तुरुल कबीले वापस आ गए। आ जाएगा बेटा, इत्मीनान रखो तुम, फिक्र मत करो मेरी बच्ची। या अल्लाह, हम पे रहम कर, करम कर हम पर, मेरे शौहर को अपने बेटे के पास बाहिफाजत पहुंचा दे। आमीन। दुश्मन के शर से बचा और हमारे बहादुर सिपाहियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। आमीन। हमें परेशान नहीं होना चाहिए, सब खैर और आफियत से लौटेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी बच्ची, इंशाल्लाह। अलियार साहब,
जिंदा हैं ये। जरा जोर से दबाइए भाई। भाई आ गए। बहुत खून बह गया है इनका, गहरा जख्म है। भाग गए वो मलून। आपने पहले भी सख्तियां झेली हैं। उठिए उठिए भाई। अल्लाह आप पर रहमत नाजिल करे सुल्तान, अगर आप ना होते तो। अबू मंसूर, अर्तुल साहब, अभी मेरा यही नाम है। हमने हथियार इस्तेमाल किए, नुसरत अल्लाह की थी। कबीले चल के बात करते हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर। इसहाक, चलो हम कबीले जा रहे हैं, जल्दी करो, उठाओ इन्हें। उठाओ भाई, आराम से उठाओ, आराम से। माशाल्लाह, बहुत सेहतमंद बच्चा है। अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए रखे। आमीन आमीन। शुक्रिया असलेहान। अब बानो जिजे की बारी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह आपका साया हम पे सलामत रखे। हाय मखानम। ओ दादी की जान, मेरा बेटा कुंदूस, देखो यहाँ कौन आया है। कुंदूस बेटा, मेरा भाई आया है क्या? दिखाए मुझे, क्या ये सिपाही बन सकेगा? देखो मैं अपने भाई के लिए जाके तलवार मनाता हूँ, तब तक आप इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है ठीक है। तो बहुत छोटा, लेकिन अपने भाई के लिए सरदार बन के रहेगा। अल्लाह इन बच्चों को महफूज रखे। आमीन आमीन। अर्तुरुल भाई इसे देखकर बहुत खुश होंगे। वालिदा, अर्तुरुल और सिपाहियों की कोई खबर आई? अब तक लौट आना चाहिए था ना। बाबा के बाद में और किसी अपने को नहीं खोना चाहती। अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे। वो लोग जरूर वापस आएंगे बेटी। खैर की खबर होगी इंशाल्लाह। खैरियत होगी इंशाल्लाह। कोई तो जख्मी जरूर हुआ है। या अल्लाह हिफाजत फरमा मेरे बच्चों की। ये तो हलियार साहब है। हलियार साहब तो नहीं होगा। अल्लाह खैर करे। अल्लाह भाई सहित हुए हैं। अल्लाह शहीद भी हुए हैं। अल्लाह पाक अपना रहम कर। हमारे कबीले में हलियार साहब बहुत सरदार सरदार हो गया। अल्लाह पाक अपना रहम कर। अल्लाह इन्हें जल्द सेहत दे। Ah! Ah!
भाई अल्लाह का वास्ता है, अपनी आंखें खोले आप। आर्तक भाई, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जगह दे भाई। आलिया साहब को शिफाखाने लेकर जाए फौरन। जी भाई। साहब तुम जख्मियों को देखो फौरन, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। संभल कर। बेटा, हलीमा सुल्तान कैसी है वालिदा? शुक्र है अल्लाह का, सेहतमंद बेटे की विलादत हुई है। हलीमा सुल्तान भी बिल्कुल ठीक है। जल्दी जाओ, अपनी जोजा से मिल लो जाकर। लेटी रहो हलीमा। खुश आमदीद, शुक्र है आप आ गए। शुक्रिया। मेरा बेटा, मेरा बहादुर बेटा, शेर बेटा, मुझे बार बार तुम्हारा और अपने बेटे का ख्याल आता रहा। तुम दोनों को सेहतमंद देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैं भी मुसलसल आपके बारे में सोच रही थी अर्दुरुल। मैं हर वक्त ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह आपको इससे मिला दे। मकसद के लिए बाज़ औक़ात अपने प्यारों को छोड़ना पड़ता है। अल्लाह आपको मकसद में कामयाब करे अर्दुरुल। आप सही सलामत लौट आए, काफी है हमारे लिए। क्या बात है साहब, इतने अफसुर्दा क्यों हैं? वसीलियस को हमारे सफर के बारे में इल्म था, जाल बिछाया था उसने। अबू मंसूर अगर वहां ना होते तो हम सब मारे जाते। अबू मंसूर साहब, कौन है ये अबू मंसूर? मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उन्हें कहीं देखा है। सवाल ये है कि वो आप तक पहुंचे कैसे? अलियार साहब जख्मी है, उनकी हालत अच्छी नहीं। कब तक होगा निकोलस? और कितनी बार निकोलस? और कितनी बार? आखिर कब तक ऐसा होगा? मैं अर्तुरुल का सर कलम करने जाऊंगा और अपने सिपाहियों की लाशें वापस लेकर आऊंगा। आखिर कब तक? जनाब, क्या हुआ? मैं माफी चाहता हूँ, निकिया से कासिद आया है जनाब। इसका कहना है कि आपके अलावा किसी और को मालूमात नहीं देगा। बादशाह ने आपके लिए मक्तूब भेजा है जनाब। जाओ तुम इस बादशाह पर और उसके मक्तूब पर लानत भेजता हूं। हर शय उनके आने से बदल गई है। अगर वो ना आते तो हम नुकसान ना उठाते। अर्तुरुल के कलमशुदा सर के साथ मैं वापस लौटता हूं। अबू मंसूर, दिखता तो वो ताजिर है, हकीकत में वो कौन है ये मुअम्मा है। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन वो कौन नहीं है ये आश्कार है। वो ताजिर बिल्कुल भी नहीं, वो एक जंगजू है। उनके लड़ने का अंदाज कबायली जंगजू जैसा नहीं है। इनका यहां से कोई ताल्लुक नहीं निकोलस, सुल्तान के आदमी हैं ये लोग। मेरे किले पर कब्जा करने आए हैं यहां। इनके अलावा और भी आ सकते हैं अगर इन्हें नहीं रोका हमने। अंदाजा ये होता है अबू मंसूर को देखकर
कि वो सुल्तान के बेहतरीन कमांडरों में से होगा। वो कमांडर से कुछ ज्यादा ही है, वो बहुत अहम और बहुत ताकतवर आदमी है। लेकिन कौन है? जल्द मालूम हो जाएगा। कैसे? हमें तो यह भी नहीं मालूम कि वो है कहां। ताजिर के लिबास में आदमी कहां रह सकता है? यकीनन हाली बाजार में होगा। तो फिर ताकुब के लिए सिपाही फौरी रवाना कर देते हैं हम। आपको इसे पढ़ लेना चाहिए। सुल्तान अलाउद्दीन वो आम लोगों का भेष बदल कर सफर पर निकला है। मतलब क्या है इस मकतूब का? अबू मंसूर कौन है, ये है मतलब इस मकतूब का निकोलस। वो आदमी आखिर क्यों, उसने ये जुरत की कैसे? सुल्तान इतनी दूर से यहां आकर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। गलत फहमी है तुम्हारी। कोई गलत फहमी नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन फतह करने से पहले उस जगह को देखना पसंद करता है, पहले भी ऐसा कर चुका है। अब मुझे अच्छी तरह छानबीन करनी होगी इस बारे में। कैसे? कोई है जो उसे पहचान सके? बिल्कुल है निकोलस, बिल्कुल है। आपका आना बाय से शर्फ है सुल्तान। अबू मंसूर के बराबर बैठो। काश के सानहे के दिन हमारी मुलाकात ना हुई होती। अर्तुल साहब, आलियार साहब की हालत कैसी है? उनकी हालत ठीक नहीं है सुल्तान। इंशाल्लाह बहुत जल्द शिफायाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। मेरी तरफ से साहबजादे की विलादत की मुबारकबाद कबूल कीजिए। यह मेरा दूसरा बेटा है मोहतरम। अल्लाह अपने बाबा की तरह उसे बहादुर सिपाही बनना नसीब करे। आमीन। अर्तुल साहब, उस गार में क्या हुआ था मुझे तफसील से बताइए। हमारे जासूस का राज अफशा हो गया था मोहतरम। वो शहनशाह के सिपाहियों से भाग रहा था।
उसके पास आपके लिए कोई बहुत अहम खबर थी, लेकिन वेसिलियस उस तक पहले पहुंच गया और मार दिया उसे। क्या आपको कुछ मालूम हो सका उस खबर के बारे में? अपने एक बहादुर साथी के हाथ उसने ये मोहर भिजवाई थी मुझे। अर्तुल साहब सुल्तान के महल में रियासती अफराद में एक गद्दार मौजूद है, सुल्तान को फौरन आगाह कीजिए। उन्होंने मुझे दो बार मारने की कोशिश की, महल में गद्दार मौजूद है शुबा था मुझे, अब यकीन हो गया है। वो मशरिक से मगरिब से दोनों जानिब से हम पर हमला कर रहे हैं। ये सब काफी ना था और अब एक गद्दार भी पैदा हो गया। इस सूरत हाल में आपकी जिंदगी को यहां खतरा है सुल्तान। असल खतरा दुश्मनों को यहां मेरी मौजूदगी से है अर्तुल साहब। महल में मौजूद गद्दार को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम मसला कारा जैसार किले का है। तुर्क कबाइल के मुस्तकबिल का इंहिसार आपके फैसले पर है सुल्तान। आपके हुक्म के मुताबिक हमने अम की कोशिश की जो बेसुध रही, अब हमारे लिए जंग नागुजीर हो गई है। मैं यहां कारा जैसार के मामले का मुशाहिदा करने और उस पर अपना हतमी फैसला देने आया हूं अर्तुल साहब। गुज़िश्ता 5 दिनों में मैंने बहुत से लोगों से अबू मंसूर की हैसियत से गुफ्तगू की है। मेरा लश्कर मशरक की जानी पेशकदमी के लिए तैयार है। सफर से पहले मैं चाहता था कि इस खत्ते की सूरत हाल के बारे में एक बाखबर सरदार की राय ली जाए। मैं मुशावरत करना चाहता हूं आपसे। मेरा औताक आपके लिए हाजिर है सुल्तान। किसी पर भी मेरा राज जाहिर नहीं होना चाहिए अर्तुल साहब। मुहाफिजों के साथ सराय में रहना चाहता हूं मैं, और मुझे आलियार साहब की हालत के मुतालिक तश्वीश है। आज शब मैं आपके कबीले में गुजारूंगा, लेकिन आपके औताक में नहीं बल्कि मेहमानों के खेमे में। नजरों में नहीं आना चाहता मैं। भाग गया वो, हमारे हाथों से निकल गया। हमारे भाइयों को शहीद किया उसने, आलियार भाई को भी। आलियार भाई अभी जिंदा है भमसी, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर अबू मंसूर वहां ना होता तो हम मारे जाते। वो ताजिर आखिर कौन है, कहां से है, तजस्सुस नहीं हुआ तुम्हें? हाँ हुआ था तजस्सुस भाई, बल्कि किसी ताजिर को इस तरह हथियार चलाते नहीं देखा मैंने कभी। भाइयों मुझे तो लगता है कि वो ताजिर है ही नहीं।
बहुत होशियार और ताकतवर है, नर्म गुफ्तार है वो और जहीन भी। कालीनों का सौदा करने से पहले हमारी बातचीत हुई थी, काफी दानिशमंद और तहजीब याफ्ता है। सही कहा, बहुत ही बहादुर आदमी है वो। वो सब एक ताजिर के मुहाफिज ही नहीं बल्कि बेहतरीन जंगजू भी हैं। अर्तुरुल भाई भी अबू मंसूर को देखकर हैरान रह गए थे। उनकी हैरानगी के पीछे यकीनन कोई वजह है। चलो भाइयों, अपने जख्मों की मरहम पट्टी करो और फिर आलियार भाई के लिए दुआ करो। भाई बिस्मिल्लाह। आलियार भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? इन्होंने ही हमारे कबीले को जोड़ा हुआ है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। इनकी हालत बहुत ही तश्वीशनाक है, किसी भी खबर के लिए तैयार रहिए, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखिए बस। आलियार साहब ने जंग के दौरान खुद को मेरे लिए ढाल बनाए रखा। इन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी पे आपकी जिंदगी को फोकियत दी है। हजार जिंदगियां भी होती तो ये आप पर कुर्बान करने से दरेख नहीं करते, और ना ही मैं करूंगी कभी। आलियार साहब, जब तक कबीले वापस नहीं लौट जाते, अपने कबीले को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। असलहान खातून, आलियार साहब ने आपको कबीले में अपना नायब मुकर्रर किया है। इनकी कुर्बानी रायगां चली जाए ये हम नहीं होने देंगे। चावदार कबीले ने सख्त दिन देखे हैं, बहुत मुश्किलात सही हैं। आपको कदम बढ़ाना है, उन उम्मीदों को पूरा करना है जो आपसे हैं। अपने कबीले को संभालिए असलहान खातून। अगर ये चले गए तो हम क्या करेंगे अर्तुरुल साहब? हमारे तमाम सरदारान मारे गए, सिपाही गद्दारी की वजह से बिखर चुके हैं, भाई भाई का दुश्मन हो गया है। मेरी दुआ है कि खुदा आलियार साहब को हमारे लिए महफूज रखे। लेकिन इनके चले जाने की सूरत में याद रखिएगा कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल और उसका कबीला हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे।
सिपाहियों, बस बहुत हो गया। किस कदर मायूस लग रहे हो, संभालो अपने आप को। अपने जख्मी शौहरों की मुंतजर खवातीन अपने बेटों के इंतजार में बैठी माएं तुमसे ज्यादा हौसला मंद हैं। चलो मजबूत बनाओ खुद को। अलियार भाई की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है दुर्गुद भाई। हमारे होते हुए अर्तुरुल भाई को भी नुकसान हो सकता था। खुदा ना खास्ता। अगर भाई को कुछ हो जाता, खुद पर शर्म आती है सिपाही होने पर। मेरे भाइयों, हम वहां शेरों की तरह लड़े ये अल्लाह जानता है, और बहुत सों को जहन्नुम वासिल किया है। और वो वैसलियस अपनी दुम दबाकर भाग गया। हाँ, भाग गया वो कमजोर मलून, डर कर भाग गया हमसे। जहन्नुम उसका मुकद्दर है। हाँ, लोमड़ी को देख के जैसे खरगोश भागता है वैसे ही भाग गया वो मलून। तुम लोगों को याद है जब हफ्सा खातून को उनके बाबा के पास ले जा रहे थे तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? वैसीली उसने हमारे लिए जाल बिछाया था। और क्या? और कौन आया था बचाने? अलियार भाई, वो बिजली की तरह है और हम सबको उन्होंने बचा लिया, और उसके बाद धुन में कहीं गायब भी हो गए थे। हाँ, उराल की साजिश से वो वाकिफ थे, इसी वजह से वो हमारी मदद के लिए आए थे वहाँ। मुझे नहीं मालूम कि कितनी बार जब भी हम मुश्किलों में गिरे अर्तुरुल भाई की जान बचाने वाला कौन शख्स था। यार भाई, हमेशा उन्होंने बचाया है हमें। हाँ, हमेशा वही थे भाई, अल्लाह जानता है। अपनी तलवार के साथ अर्तुरुल भाई के शाना बशाना हजरत अली पर जान कुर्बान करने वाले शेर की तरह लड़ते रहे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बेहद खूबी से लड़े। अगर अबू मंसूर ना होते वहां तो सूरत हाल खराब हो जाती। सही कहा भाई, अबू मंसूर अगर वहां ना होते तो हम दोनों कबीलों के सरदार खो देते। फिर हम अपने सरदारों और असलहान खातून को क्या जवाब देते आखिर? लेकिन ये बात तो वाज़ह है, माजी में जैसे आलियार भाई आया करते थे, अबू मंसूर ने भी बिल्कुल उसी तरह आकर हमें बचा लिया। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। हाँ। अल्लाह की रजा से अबू मंसूर बिजली की तरह पहुंच गए। उस रब अजीम ने अर्तुरुल भाई के मकसद की राह में एक बार फिर हमारी मदद की। शुक्र है अल्लाह का। पहले आलियार भाई और अब अबू मंसूर, अर्तुरुल भाई की मंजिल मकसूद से एक कदम और करीब हो गए भाइयों। अल्लाह की रजा से बहसियत सिपाही कोई शर्मिंदगी नहीं, शुक्र है अल्लाह का। तुर्गुत भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज से हम कोई शिकवा और कोई मायूसी की बात नहीं करेंगे। आज से हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लेना होगा। हम उनसे ऐसा इंतकाम लेंगे कि ये जमीन
उन मलूनों का खून भी कबूल नहीं करेगी। इन बदबख्तों को कब्रों में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तीर कमान से निकल चुका है मेरे सिपाहियों। वैसली उसको जब तक खत्म नहीं कर देते, दुआन भाई के, अपने दूसरे बहादुर सिपाहियों के खून का हिसाब नहीं ले लेते, चैन से नहीं बैठेंगे हम लोग। समझ गए? आज के बाद हमारी ये सांसें हम पे हराम है जब तक इंतकाम नहीं ले लेते। मेरे भाइयों, ये एक ऐसी जंग होगी कि हमारे दाएं तरफ अर्तुरुल भाई और बाएं तरफ आलियार भाई होंगे और दुश्मनों की चीखों पुकार आसमान तक जा रही होगी। भाइयों, ये एक बेमिसाल जंग होगी कि शहीद भी उठ खड़े होंगे हमारे साथ और दुआन भाई की रूह भी हमारे साथ होगी और मलूनों को जहन्नुम वासिल करेंगे। माशा अल्लाह मेरे बहादुर सिपाहियों। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इकतरीना मैं हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ तुमसे। आ जाओ वैसिलियस। अपने असल रूप में पलटकर और भी खूबसूरत हो गई हो तुम। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती वैसिलियस। वक्त गुजरता जा रहा है और हम अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं। हमारे हाथ खाली नहीं है। तो क्या है फिर? आलियार। तो क्या वो मर गया? अभी तो नहीं, लेकिन उन जख्मों के साथ वो जिंदा नहीं रह पाएगा। अर्तुरुल का भी कुछ ऐसा ही अंजाम होता, लेकिन ऐन वक्त पर उसको और उसके सिपाहियों को किसी ने बचा लिया। कौन था वो? इसका जवाब तुम मुझे दोगी। उराल ने बताया था कि तुम दोनों साथ कोनिया गए थे एक मर्तबा। क्या तुमने सुल्तान अलाउद्दीन को देखा था वहां? सुल्तान अलाउद्दीन का इस बात से क्या ताल्लुक है? तुमने देखा था या नहीं? मैं जानदार साहब और उराल के साथ एक बार कोनिया गई थी। सुल्तान के बेटे इज्जतदीन के लिए चढ़सलान की रस्म सुन्नत थी, तब देखा था मैंने उन्हें। इस अजीम मकसद में हम दोनों बराबर के शरीक हैं ना कतरीना? मैं चाहता हूं तुम एक काम करो मेरा। हाली बाजार जाना होगा तुम्हें, वहां तुम राजदारी से हर आने जाने वाले को बगौर देखोगी। अबू मंसूर नामी आदमी को ढूंढना है तुम्हें और मालूम करना है कि अबू मंसूर सुल्तान अलाउद्दीन तो नहीं। वो वहां है? मेरा ख्याल है कि वो वहीं है कतरीना। इस तरह हम एक साथ बहुत सी मुश्किलात से निजात पा लेंगे। तुम्हारे अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता और तुम्हारे लिए ये काम अंजाम देना कोई मुश्किल नहीं। बेफिक्र हो जाओ तुम वैसिलियस, इंतकाम के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी। मुझे यही बात खौफजदा करती है कतरीना। मेरी तरह मत बनो, अपने गुस्से पर काबू रखो। तुमने अभी मेरा गुस्सा कहां देखा है वैसिलियस? तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है।
दर्द हो रहा है मुझे हफ्सा खातून। जख्म इतना गहरा नहीं है बंसी, लेकिन आप आर्तुक भाई को दिखा दें तो बेहतर है। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था हफ्सा खातून। मुझे ये दर्द इन जख्मों की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि दुश्मन की घटिया चालों की वजह से हो रहा है। काश के वैसीलियस की उस मनहूस तलवार का वार आलियार भाई के बजाय मेरे ऊपर हुआ होता। इंशाल्लाह आलियार साहब सही सलामत अपने कबीले वापस लौटेंगे, और इंशाल्लाह वैसीलियस को अपने किए की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अर्तुरुल भाई और आप मिलकर उसके किए हर जुल्म का इंतकाम लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हफ्सा खातून। बमसी, इस खत्ते में लोगों को उम्मीद दिलाई है आपने, वक्त आने पर मेरे लोग भी आपके साथ खड़े होंगे बमसी। लेकिन सबसे पहले उस जालिम और मलून भेड़िए का सर उराल की तरह उतारना होगा हमें। उसे हर सूरत अपने किए का हिसाब देना होगा। मेरा रब उसे मारने से पहले मुझे शहादत नसीब ना करे, बस दुआ करना हफ्सा। आमीन बमसी। उनका इरादा वाज़े है सुल्तान, लेकिन मुझे फिर भी कारा जैसार के किले को फतह करने के बारे में जरा बराबर शुभ नहीं। अब तो हमारा सुनो, तुम तो काफी गुस्से में हो। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ वैसीलियस, जिन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाई है उन पर रहम नहीं करूंगी मैं।